ये बात है नवंबर 1981 की, जब एक इंसान अमेजोन के जंगलों में अकेले खो जाता है, वो भी पूरे 3 हफ्तों के लिए। और वो जंगल जो फेमस अपने बहुत बड़े साइज के लिए, जो फैले हुए हैं 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, और साथ ही साथ घर है दुनिया के बेहद खतरनाक जानवरों का। यहाँ किस तरह एक अकेला इंसान 3 हफ्तों तक सर्वाइव कर पाता है, आइए जानते हैं आज की इस रियल सर्वाइवल स्टोरी में, जो है इसराइल के रहने वाले योसी गिन्सबर्ग के बारे में। नवंबर 1981, योसी गिन्सबर्ग जो उस समय सिर्फ 21 साल के थे, उन्होंने इजरायली आर्म्ड फोर्सेस में अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग बस अभी पूरी ही की थी और नेवी में 3 साल की सर्विस भी की थी, जिसके बाद गिन्सबर्ग हेनरी शरियर की बुक पैपिलॉन से काफी ज्यादा मोटिवेट हुए, जिसमें ऑथर ने एक क्रिमिनल की तरह अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। इस बुक से गिन्सबर्ग इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि वे बेहद जल्द ही पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो गए, और फिर उन्होंने साउथ अमेरिका पहुंचकर बेहद फेमस और खतरनाक अमेजोन के जंगलों में अपनी जर्नी शुरू करने का प्लान बनाया। जब गिन्सबर्ग ने अपनी जर्नी शुरू ही की थी, तभी उन्हें रास्ते में 3 और लोग मिले। पहले थे केविन गेल, जो कि एक अमेरिकन फोटोग्राफर थे। दूसरे थे कार्ल रूबर्चर, जो एक ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट थे और यहाँ सोने की खोज में आए हुए थे। और तीसरे थे मार्कस स्टैम, जो स्विट्जरलैंड में एक टीचर थे। ये 4 लोग एक साथ अमेजोन के जंगलों में अपनी जर्नी शुरू करते हैं, जिसे एज ए ग्रुप केविन लीड कर रहे थे, क्योंकि केविन को पहले से ही अमेजोन के जंगलों का एक्सपीरियंस था। ये 4 लोग बिना ज्यादा सोचे समझे ही सिर्फ कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ ही अमेजोन के काफी घने जंगलों में चले जाते हैं। अब जैसे इन 4 लोगों की जर्नी शुरू होती है, ये अमेजोन जंगलों के ऐसे एरियाज में चले जाते हैं जहाँ जनरली कोई नहीं जाता। और जैसे जैसे ये लोग जंगलों में और ज्यादा अंदर जाने लगते हैं, ये अपनी ट्रेल भी खोने लगते हैं, क्योंकि जंगलों में ज्यादातर किसी भी तरह के साइन बोर्ड कम ही पाए जाते हैं। अब इनकी सप्लाईज भी धीरे धीरे कम होने लगती है, और जिसकी वजह से ये लोग धीरे धीरे कमजोर भी होने लगते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पेन जो फील कर रहे थे वो थे स्टैम, क्योंकि उन्हें ट्रेंच फुट का सामना करना पड़ रहा था। ट्रेंच फुट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आप लंबे समय तक एक ठंडे और गीले एनवायरनमेंट में खड़े रहते हैं, तो आपके पैरों में काफी दर्द और सूजन आ जाती है और पैरों का ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। अब इन सब के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि वे जिंदा रहने के लिए क्या खाएं। अब ये लोग कुछ बंदरों को गोली मारकर खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टैम इन्हें खाने से मना कर देता है। इस बारे में योसी ने बाद में बताया कि हमें बहुत भूख लग रही थी और काफी लंबे समय से चल रहे थे, और शायद ही हमें इन घने जंगलों में कुछ खाने को मिल पा रहा था। हमने वहाँ जिंदा रहने के लिए बंदरों को गोली मारकर खाना शुरू कर दिया। जब आप भूख के उस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आपको खाने के लिए बस कुछ भी मिल जाए, तो खाने लायक कुछ भी गंदा या डरावना नहीं रहता। आखिरकार सभी लोग अपनी जर्नी साथ साथ करने के बजाय अलग होकर करने का डिसीजन लेते हैं। इनमें रूपर्चर और स्टैम वहां से वापस आने का डिसीजन लेते हैं, जबकि गिन्सबर्ग और गेल एक टेम्पररी राफ्ट बनाकर आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं। लेकिन जल्दी ही गिन्सबर्ग और गेल के सामने एक नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही दोनों उस राफ्ट पर रिवर में ट्रेवल कर रहे थे, एक वाटरफॉल के पास आते आते नदी का वाटरफ्लो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और साथ ही साथ उनके राफ्ट की स्पीड भी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वे दोनों राफ्ट पर अपना कंट्रोल खो देते हैं और राफ्ट अनकंट्रोल्ड होकर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। किसी तरह गेल खुद को नदी के किनारे पर लाने में सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन गिन्सबर्ग अभी भी नदी में ही थे और अपने सिर को पानी के ऊपर रखने के लिए काफी स्ट्रगल करते हुए ऊपर की ओर तैरना शुरू कर देते हैं। गिन्सबर्ग ने बाद में बताया कि मैं करीबन आधे घंटे तक पानी के तेज बहाव के कारण नदी में बहता रहा। मैंने अपने सिर को पानी के ऊपर रखने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मैं नदी में बहते हुए चट्टानों और गिरे हुए पेड़ों से टकरा रहा था। उस वक्त मुझे कितना दर्द सहन करना पड़ रहा था, ये बताना मेरे लिए बेहद मुश्किल है। अब गिन्सबर्ग भी जैसे तैसे खुद को नदी के किनारे पर लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उनका बैग भी लकीली किसी तरह से किनारे पर आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बैग में ना तो कुछ खाना बचा था और ना ही कुछ सप्लाईज जो उनके काम आ सके। उसने गेल की तलाश करते हुए नदी के ऊपर की ओर 4 दिनों तक ट्रेवल किया, और अल्टीमेटली उसने रियलाइज किया कि अब वह जंगल में अकेले खो चुका है, और साथ ही साथ किसी के खुद को ढूंढने की उम्मीद भी। अब गिन्सबर्ग के सामने काफी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली थी, जो उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को चैलेंज करने के लिए रेडी थी। जैसे एक बार उन्हें एक जैगवार का सामना करना पड़ा, जो क्लियरली उनके लिए लाइफ थ्रेट था, लेकिन गिन्सबर्ग उसे एक लाइटर और मॉस्किटो रेपेलेंट की हेल्प से भगाने में कामयाब रहते हैं, जो उन्होंने बताया कि इसे उन्होंने जेम्स बॉन्ड की एक मूवी से सीखा था। सेकेंड टाइम जंगल में बाढ़ आने से गिन्सबर्ग ऑलमोस्ट उसमें डूब चुके थे, बाद में भी एक दलदल में भी डूबते डूबते बचे थे, जिसके बारे में गिन्सबर्ग ने ग्रेपवाइन को बताया कि मुझे लगा कि मैं वहां मरने जा रहा हूं, और वहां दलदल में फंसते हुए मैंने खुद को मारने के बारे में भी कई बार सोचा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से सिर्फ 2% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस आप तक लाने में हेल्प मिलती है। उनकी जर्नी के दौरान उनकी मुलाकात एक औरत से होती है, और वह भी उनकी जर्नी में शामिल हो जाती है, जिसके बारे में गिन्सबर्ग ने द सन को बताया कि वह औरत मुझे मेरे वर्स्ट मोमेंट में दिखाई दी, जब मैंने जिंदगी से हार मान ली थी। मैंने कई बार उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं किया।
मैंने हम दोनों के लिए कैंप भी बनाया और उसके लिए वहाँ पर सोने के लिए जगह बनाई। लेकिन यह सब कुछ और नहीं, गिंसबर्ग का एक हेलुसिनेशन था। और जब ये औरत वहाँ से अचानक गायब हो गई, तब गिंसबर्ग को ये सब रियलाइज हुआ और उन्हें ये टेंशन भी हुई कि शायद वे अपनी मानसिक शक्ति खो चुके हैं। उस समय तक गिंसबर्ग काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे और वे कुछ बेरीज और एग्स खाकर ही जिंदा थे जो उन्हें उस जगह पर पाए जाने वाले कुछ गोस्टल में मिले थे। दूसरी तरफ बाढ़ वाली सिचुएशन के बाद से उनके पैरों में फंगस पड़ने लगी थी और उनके माथे पर भी कीड़े पड़ने लगे थे। लेकिन गिंसबर्ग की उम्मीद तब और भी ज्यादा डूबने लगती है जब एक एयरप्लेन ठीक उसके ऊपर से उड़कर निकल जाता है जो उसके बहुत आवाज लगाने और चिल्लाने के बाद भी नहीं रुकता। अब जैसे जैसे उसके पैरों में और ज्यादा पस पड़ रही थी, गिंसबर्ग जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ते जा रहे थे। लेकिन फिर उसने खुद को एक पेड़ पर चींटियों के झुंड से कटवाने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि ऐसा करने से उनमें कुछ एनर्जी आएगी और खुद को आगे ले जा पाएंगे। गिंसबर्ग बताते हैं कि मैं सचमुच में गया और एक पेड़ को हिलाया और गिंसबर्ग उन चींटियों के झुंड को गिरा दिया क्योंकि मेरे पैर मुझे आगे और नहीं ले जा सकते थे और मुझे खड़े होने और चलने की जरूरत थी। मैंने खुद को चींटियों के झुंड से नहलाया और काफी दर्द महसूस करते हुए उठने और आगे बढ़ने में कामयाब रहा। लकीली कुछ समय बाद गिंसबर्ग ने एक इंजन की आवाज़ सुनी। ये गेल था जो काफी दिनों से वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही गेल अपनी सर्च खत्म करने वाला था तभी उसे गिंसबर्ग मिल गया। अब गिंसबर्ग को वापस ले जाया गया, उसका इलाज किया गया जो करीबन 3 महीने तक चला था। गिंसबर्ग के इतने दिनों तक जंगल में अकेले रहने को वहाँ के लोग किसी भी जादू से कम नहीं समझ रहे थे। उस ग्रुप के बाकी दो लोग कार्ल और मार्कस का कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन बाद में पता चला कि कार्ल एक्चुअल में एक वांटेड क्रिमिनल था। योसी गिंसबर्ग की इस सर्वाइवल स्टोरी से हम दो इम्पोर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। फर्स्ट, जंगल में खो जाने और अकेले होने के बाद भी योसी ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और सभी चैलेंजेस को एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ फेस करते रहे। सेकंड, योसी की स्टोरी प्रोएक्टिव अप्रोच की इंपॉर्टेंस को समझने पर जोर डालती है। खुद को जंगल में जिंदा रखने के लिए जो भी नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज की जरूरत होती है वो उनके पास पहले से ही थी और जिसकी वजह से वो जंगल में सर्वाइव कर पाए। ये हमारे लिए एक रिमाइंडर की तरह काम कर सकता है कि हमारी लाइफ में कभी भी और कहीं भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकती हैं और हमें इनके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। प्रोएक्टिव होकर हम समय से पहले ही खुद को रेडी करके हम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपने सर्वाइव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। आप खुद सोचिए कि आपको इस टाइम सबसे ज्यादा किस काम के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत है। गिंसबर्ग की इस रियल सर्वाइवल स्टोरी पर साल 2017 में एक मूवी भी रिलीज की गई थी जिसका नाम है जंगल। योसी की तरह इस दुनिया में कितने ही लोगों की ऐसी सर्वाइवल स्टोरीज हैं जो आपको, मुझे और हम सबको किसी भी तरह के सिचुएशन से लड़ने में मोटिवेट करती हैं। और ऐसे ही एक सर्वाइवल स्टोरी है माउरो प्रोस्पेरी के बारे में, जिसे आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल साथ विद कॉन्शियसनेस को जरूर सब्सक्राइब करें।